वीडियो में बिगिनर नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। और देश में कोरोना के मरीजों की तादाद 15,000 के पार पहुंच गई है। देश में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या 15,712 तक पहुंच गई है। आपको बता दें, इनमें एक्टिव केस की तादाद 12,974 है। इसके साथ ही 2,231 मरीज इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। वहीं देश भर में अब तक कोरोना से 507 लोगों की जान चली गई है। तो फिलहाल कोरोना अपडेट हम आपको दे रहे हैं, देश में कोरोना से किस तरह से 2,231 मरीज इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। ये एक राहत की खबर है, थोड़ी अच्छी खबर है, लेकिन इस बीच आंकड़ा कम नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से परेशानी भी है। और कोरोना की क्रूरता ने सब कुछ बदल दिया है, जिंदगी के मायने भी बदल दिए हैं, जिंदगी के बाद का संस्कार भी। कोरोना की मार ने अपनों से दूरी ऐसी बढ़ा दी है कि अंतिम विदाई तक का हक छीन लिया। विदाई और न ही परिजनों के हाथों से चुनी लकड़ियों की चिता, कोरोना की क्रूरता ने क्या क्या बदल दिया। जो लॉकडाउन की जरूरी बंदिशों के उल्लंघन को अपनी कामयाबी समझते हैं, यहाँ तो मौत के बाद भी लॉकडाउन का मर्यादाओं के साथ पालन किया जा रहा है। हमने बीच की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। घर पे सिर्फ दो जने हैं, मेरी दो मामियां हैं और हम चार या पांच लोग यहाँ पे आए हैं, वो भी एम्बुलेंस में साथ ही बैठकर, बस इससे ज्यादा नहीं है। हमें ये भी नहीं पता कि 20 लोगों की परमिशन है तो हम 20 लोग तो इकट्ठे करके ले चलें। मेरे चार मामा, चार मामियां, उनके बच्चे सब बड़े हैं, वो सब भी नहीं आए हैं। किसी किसी बॉडी में तो दो या तीन लोग ही आते हैं, किसी में तो मैंने देखा एक या दो बंदे ही आते हैं, तो हमारे कर्मचारी उनको कंधा देते हैं। मृत्यु की संवेदनाओं से बड़ा कुछ नहीं होता, लेकिन दूसरों की जिंदगी का सवाल उससे भी बड़ा होता है। मृत्यु आखिरी सच है, इससे इनकार नहीं, लेकिन कोरोना संक्रमण से मृत्यु विधि की लेखनी का दुखद हिस्सा है। अंतिम संस्कार के समय वायरस से सतर्कता जरूरी भी है और जिम्मेदारी भी। उसमें कंधा नहीं दिया जाता, उसमें जैसे एम्बुलेंस से जैसी बॉडी उतारते हैं तो वो स्ट्रेचर होता है, स्ट्रेचर बॉडी ली अंदर, बॉडी लेके जाते हैं सीएनजी में, वहां से उसे उठा के प्लेटफार्म पर रख दिया जाता है, उसे कंधा नहीं दिया जाता उस बॉडी को। इसी निगमबोध घाट ने अंतिम संस्कारों के साथ हजारों लोगों की भीड़ और भीड़ के अपने अपने मातम को सुना है। अंतिम संस्कार के समय अपने अपने यहाँ की रीति रिवाजों की चर्चाओं को सुना है, लेकिन अब जो है वो यही है। कहते हैं खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और जो दुख होता है वो बांटने से कम होता है, लेकिन उसके बावजूद अगर एक नियम है कि 20 लोगों से अधिक नहीं आएंगे तो उसका सख्ती से पालन भी हो रहा है। एक वक्त था जब यहाँ निगमबोध घाट पर लोगों का हमेशा एक हुजूम सा उमड़ा करता था, लेकिन आज जिंदगी के इस आखिरी पड़ाव वाली जगह पर लोग इस सच को समझ रहे हैं। जरूरत है कि जो लोग जीवित हैं अपने घरों में हैं, वो भी इस सच को अच्छी तरह समझें और उसका पालन करें। कैमरा पर्सन सईद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। और संक्रमण काल में सियासत आसमान पर है। राजस्थान के बेंगू में तो विधायक महोदय प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री गहलोत में तुलना करने लगे, और जब इस सवाल का जवाब एक महिला ने मोदी कहा तो विधायक बुजुर्ग महिला से राशन छोड़ देने का फरमान सुना दिया। सुनिए। दिए जलाने वाला अच्छा है, माता जी आपको मोदी को अच्छा कह रही हो, बताओ कौन अच्छा है? आप क्या कह रही? मोदी। तो फिर दिए जलाओ, राशन छोड़ जाओ, कौन अच्छा है? अरे मैं रात को तुम्हें भूखा नहीं सोने दूंगा, तो कौन आदमी अच्छा है? अशोक गहलोत अच्छा है कि मोदी अच्छा है, बताओ? दिए जलाने वाला अच्छा है, माता जी आपको मोदी को अच्छा कह रही हो, बताओ कौन अच्छा है? आप क्या कह रही? मोदी। तो फिर दिए जलाओ, राशन छोड़ जाओ, कौन अच्छा है? अरे मैं रात को तुम्हें भूखा नहीं सोने दूंगा, तो कौन आदमी अच्छा है? अशोक गहलोत अच्छा है कि मोदी अच्छा है, बताओ? दिए जलाने वाला अच्छा, माता जी आपको मोदी को अच्छा कह रही हो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।